हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल नीलम रावत सिंपल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं बनाने वाली हूँ ये सूजी और बेसन के दानेदार लड्डू, जो बनाना बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स, जब भी आपका मीठा खाने का मन हो तो ये 5 से 6 मिनट के अंदर बन जाते हैं। बिल्कुल नया तरीका है जिस तरीके से मैंने बनाए हैं और मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या सामान चाहिए। ये मैंने 1 कटोरी सूजी ली है, जो जितना 1 कटोरी सूजी ली है तो उसके बराबर ही हमको बेसन भी 1 कटोरी लेना है। तो इसको एक बाउल में या परात में मैं निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ये परात ले ली है और अब हम इसमें डालेंगे ये बेसन, लिया था 1 कटोरी बेसन, और ये सूजी भी डाल लेंगे। मैं 1 कटोरी सूजी ली थी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये जो घी है कटोरी में ये गर्म कर लिया है थोड़ा सा, और 4 चम्मच अब मैं इसमें ये शुद्ध देसी घी है जो मैं इसमें डालूँगी, डाल देंगे। ये 4 चम्मच मैंने देसी घी गर्म करके डाल दिया है और बस अब इसको मिला लेंगे। उसको हाथ से अच्छे से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये 1 गिलास पानी ले लिया है, ये मैंने मिला लिया है, और पानी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो तैयार कर लेंगे। इसको टाइट सा डो तैयार करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने डो बना लिया है सूजी बेसन का, सॉफ्ट सा बनकर तैयार हो गया है। और इधर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू बादाम और किशमिश है, और इनको थोड़ा सा घी डालकर फ्रेंड्स मैं रोस्ट कर लूँगी। आपके पास और कुछ ड्राई फ्रूट्स हों जो आपको पसंद हो वो भी आप ले सकते हैं, बस इनको निकाल लूँगी। हो गए ये। तो इस डो के फ्रेंड्स मैं छोटी छोटी लोइयाँ बना लूँगी। मैं लोइयाँ तोड़ लूँगी और इस तरह से हाथ से दबा के लोइयों को अच्छे से दबा के ऐसे मुट्ठी में दबा के इस तरह से बना के लोई में पूरे डो के रख लूँगी। बना लेते हैं जल्दी से, अच्छे से दबा के बस मुट्ठी में दबा के इस तरह से ही, बहुत आसान है बनाना। पूरे डो के बना के रख लेंगे हम। तो फ्रेंड्स, ये सारी लोइयों के मैंने इस तरह से मुठ्ठे बना के रख लिए हैं, देखिए सभी बना लिए हैं। और इधर गैस पर मैंने कढ़ाई रखी है, इस पर मैंने रिफाइंड तेल डाल दिया है, तो गर्म हो गया है। अब इनको सेक लेंगे इसमें, जिस तरह से पकौड़ियाँ सेकते हैं उसी तरह से पकौड़ियों की तरह उनको फ्राई करना है, बस तलना है। सभी बना के रखे थे, जितने कढ़ाई में बने उतने डाल लेंगे हम।
और बस ऐसे ही उलट पलट कर उनको तलना है सभी को, और हल्का सा ब्राउन होने तक इनको तलेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स ये बड़े आसानी से बन जाते हैं, उनको आराम से सभी बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ब्राउन हो गए हैं, वो इनको हम निकाल लेंगे प्लेट में। धीमी आंच पर ये सेंकें इनको, जिससे कि अंदर तक सेक सकें। तो ये सभी मैंने सेक के रख लिए हैं, तल के इनको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और दूसरी तरफ हम चाशनी बनाएंगे अब, और जिसके लिए मैंने गैस पर ये पानी रख दिए, और जिस कटोरी से मैंने नाप के सूजी और बेसन लिया था उसी कटोरी से ये एक कटोरी में चीनी ले रही हूँ, भगोने में डाल दूँगी। एक कटोरी चीनी है तो आधा कटोरी में इसमें पानी डाल दूँगी। मैं पानी डाल दे रही हूँ आधा कटोरी। बस गैस ऑन कर दूँगी मैं, गैस का जो फ्लेम है धीमा ही रखें। तो फ्रेंड्स ये चाशनी हमारी बन रही है, सब इसको चेक कर लेंगे। फ्रेंड्स चाशनी हमारी बिल्कुल तैयार है, और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और इधर हमारे ये सूजी बेसन के जो मुठे बना के रखे थे हमने सेक के फ्राई करके, वो भी ठंडे हो गए हैं। अब इनको छोटा छोटा टुकड़े में ऐसे करके तोड़ लेंगे। सभी को तोड़ लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से इस सूजी बेसन के जो मुठ्ठी थे फ्राई करके रखे थे वो हमने ये छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, ठंडे हो गए हैं। अब इनको हम ये मिक्सी जार लेंगे, इसमें डालकर पीसेंगे थोड़ा थोड़ा करके। इस तरह से मिक्सी में पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स ये मिक्सी जार में हमने ये टुकड़े इसके जो वो पीस लिए हैं, और देखिए इस तरह से ये बिल्कुल दानेदार पाउडर बन गया है, लड्डू के लिए तैयार है बिल्कुल। इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी मैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये पाउडर पूरा मिक्सी जार में मैंने पीस लिया है, बिल्कुल महीन पाउडर बन गया है। तो अब इसमें हम जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे हमने किशमिश और बादाम काजू, आप चाहे तो और भी तो आपको पसंद हो ड्राई फ्रूट्स आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने रोस्ट करके रखा था, इसमें मिला लेंगे। ड्राई फ्रूट्स हमने ये मिला लिए हैं, और ये चाशनी है हमारी फ्रेंड्स, ये ठंडी हो गई है। इसको थोड़ा थोड़ा करके चाशनी को इसमें कटोरी में निकाल लिया, मिलाएंगे पाउडर में। इतना मिलाना है कि हमारा जो कटोरा आराम से बन सके। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखिए हमने सभी ये चाशनी को मिला लिया है, और हम इसको जल्दी से लड्डू बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है, और जितने बड़े आपको लड्डू चाहिए हो उतने बड़े आप बना लीजिए उनके। आराम से ये लड्डू बन जाएंगे। इस तरह से आप लड्डू बना बना के रख लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स कितने आराम से ये लड्डू बन गए हैं, तो खाने बहुत ही टेस्टी हैं, वो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। इस तरह से सभी लड्डू मैं बना के रख लूँगी।
सभी लड्डू बना के रख लूंगी मैं जल्दी जल्दी। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने पूरे लड्डू इस तरह से बांध लिए हैं, सभी लड्डू बना लिए जो कि सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जब भी आपको मीठा खाने का कुछ मन हो फ्रेंड्स, या मेहमान आने वाले हों और जल्दी आपको कुछ मीठा बनाना हो, ये लड्डू सूजी बेसन के लड्डू आप बना सकते हैं जल्दी से। अगर आपको मेरी ये सूजी और बेसन के लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, लाइक तो ज़रूर कीजिए और अगर अच्छी लगी हो कमेंट ज़रूर करना। मिलती हूँ फिर मैं अगली वीडियो में।